जय हिंद दोस्तों। अगस्त 2021 को गवर्नमेंट ने एक नए नंबर प्लेट यानी भारत सीरीज को इंट्रोड्यूस किया था और जस्ट 21 सितंबर 2021 को ही मैंने इस चीज को यानी जस्ट एक महीने बाद मैंने इसके सारे प्रो एंड कॉन्स को डीपली एनालाइज करके एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने इसके सारे ही निगेटिव पॉइंट्स को दिखाया था। ये वीडियो अभी तक का हमारे चैनल का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वीडियो है जो आज 2 साल बाद भी कम्प्लीटली ट्रेंडिंग में ही चल रहा है और बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे इस पे जम के ट्रोल किया था, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया था। लेकिन आज 2 साल बाद बीएस सीरीज की ग्राउंड रियलिटी क्या निकल के आ रही है वह सब आप लोगों के सामने है। अब दूसरे दूसरे फेमस चैनल वाले भी इसके परेशानियों को और इसके निगेटिव पॉइंट्स को अब आकर के आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो उसी वीडियो के इस पार्ट 2 वीडियो में मैं बहुत सारे कमेंट्स के जवाब भी देने वाला हूं और पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने क्यों सारे निगेटिव पॉइंट ही बताए। जैसे ही बीएस सीरीज इंडिया में लॉन्च हुआ बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। खुश होने के 2 मेन रीजन थे। एक तो ऐसे लोग जो ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, सैलरीड क्लास हैं, वो ये सोच रहे थे कि अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर लेकर के जाते हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है और बीएस सीरीज में ये बताया गया था कि ये ऑल इंडिया वैलिड होगी। जबकि बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता है कि आप किसी भी स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में 1 साल तक कंटिन्यूअसली रख सकते हैं और इसमें आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, जब बीएस सीरीज नहीं लॉन्च हुआ था ना तो पुलिस वाले भी एक स्टेट की गाड़ी को दूसरे स्टेट में ज्यादा परेशान नहीं किया करते थे। लेकिन बीएस सीरीज के आने से एक चीज क्या हो गया कि अब पुलिस वालों को भी एक बहाना मिल गया है। एक स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में जाती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आप कितने टाइम से इस स्टेट में गाड़ी रखे हो, आप प्रूफ करो। प्रूफ करने का मैं तरीका आपको बता देता हूं। अगर आपने गाड़ी रखी है तो डेफिनेटली आप साल भर में एक बार कहीं ना कहीं अदर स्टेट में तो घूमने चले ही जाते होंगे। नहीं जाते हैं और अगर स्टेट रजिस्ट्रेशन की गाड़ी रखे हैं तो घूमने जाने का प्लान बनाइए, क्योंकि एक बार जैसे ही आप जिस स्टेट में कंटिन्यूअसली रह रहे हो वहां से निकल के दूसरे स्टेट में गए, ज्यादातर बॉर्डर्स में टोल होते ही हैं। एक बार आपकी गाड़ी ने टोल क्रॉस किया आपके फास्टैग से वो रिकॉर्ड में आ जाएगा और आप इजीली अपने फास्टैग के रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं कि 1 साल में अगर एक बार भी आपने स्टेट का बॉर्डर क्रॉस कर लिया और दोबारा उस स्टेट में आ गए तो आपका 1 साल अब उस डेट से काउंट होगा जब आप जा करके आए थे। यानी आप गए, टोल टैक्स पे किए और अगर गाड़ी रिटर्न लेकर के भी आ जाते हैं तो अब 1 साल का जो ड्यूरेशन होगा वह आपके उस डेट से काउंट होगा जब आप बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। बात करने चले तो निगेटिव पॉइंट्स की, जो सच में इसमें क्या क्या कम फायदा और ज्यादा नुकसान है, तो सबसे पहला चीज ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बीएस सीरीज को डायरेक्टली ही इंट्रोड्यूस कर दिया बिना स्टेट से तालमेल बिठाए ही। तो इस केस में क्या हुआ है कि जो आपके आंध्रा, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका के जो गवर्नमेंट्स हैं उनको इससे दिक्कत हो गई, जबकि वहां के लोग बहुत खुश हुए थे। रीजन ये था कि कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना में 13-18% रोड टैक्स है, वहीं पे तमिलनाडु में भी 10-15% रोड टैक्स आता है। महाराष्ट्र की बात करें तो 11-15% रोड टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। केरला में भी 9-21% रोड टैक्स देना पड़ता है। तो वहां पे लोग ज्यादा खुश इसलिए हुए थे कि अब उन्हें कम रोड टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा खुश होने का रीजन एक ये था कि बीएस सीरीज में हर 2 साल के लिए सिर्फ रोड टैक्स लिया जाता है, जबकि अदर्स में पूरे 15 ईयर्स के लिए प्राइवेट नंबर में ले लिया जाता है, तो उसमें गाड़ी का अमाउंट ज्यादा बढ़ के चला जाता है। यही दूसरा चीज क्या था कि बीएस सीरीज में यह बात क्लियरली मेंशन थी कि आपको जो भी रोड टैक्स देना है वो 2 ईयर्स के लिए कम से कम एक बार में दे सकते हैं, मैक्सिमम 7 टाइम्स यानी 14 साल के लिए आप एक बार में दे सकते हैं रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन का चार्ज। लेकिन दिक्कत यहां पे हो गई कि गवर्नमेंट को ऑब्वियसली बात है, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट है तो वहां पे उनको इशू आएगा क्योंकि उनकी अर्निंग कम हो रही है। जो टैक्स की बात हमने करी तो सारे स्टेट्स जो भी आपके थे, जो मैंने आपको नाम बताए, इसमें टैक्स ज्यादा थे। वहीं पे बीएस सीरीज की अगर बात करें तो इसमें आपको 6-14% ही टैक्स आते हैं, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स। दूसरी बात इसमें ये आती है कि इस पे जो आपको टैक्स देना है वो आपको गाड़ी के इनवॉइस वैल्यू पे टैक्स देना था, जबकि ये बहुत सारे स्टेट्स में अगर आप देखें, जो प्रभात जी ने भी हमें कमेंट किया है कि उनके दामाद जो किशनपुरा के रहने वाले हैं, बिहार से हैं, लेकिन वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, और इन जो राज्य है ना जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र,
ये सारे गवर्नमेंट वाले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही दे रहे हैं बीएस सीरीज का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, एमएनसी वाले को या फिर बाहर के लोगों को वो लोग दे ही नहीं रहे हैं नंबर। दूसरी बात जो हमने कही आपको कि जीएसटी, तो वहां पे जिन लोगों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको अगर स्टेट्स दे भी रही है बीएस सीरीज का रजिस्ट्रेशन, जो शोरूम वाले हैं वो उनसे एक्स शोरूम प्राइस पे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स देने को, जबकि रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट ने जब इस चीज को लॉन्च किया है बीएस सीरीज को, तो बीएस सीरीज में आपको इनवॉइस वैल्यू पे ही रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स देना है, जबकि सर्विस सेंटर वाले लोगों से एक्स शोरूम प्राइस पे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स देने, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो ये एक मेजर निगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है कि एक तरफ जहां पे प्राइवेट सर्विस सेक्टर वालों को गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं दे रही है, वहीं पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रजिस्ट्रेशन मिल भी रहा है तो उन्हें एक शोरूम प्राइस पे बोला जा रहा है रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पे करने को, जबकि रियलिटी ये है कि आपको इनवॉइस वैल्यू पे ही बीएस सीरीज का रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है। क्योंकि देखिए एक शोरूम वाले प्राइस पे आपको जीएसटी और सेस ऑलरेडी एडेड होता है, जो कि 29% से 50% तक होता है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स जो देना पड़ता है इससे भी लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और इसीलिए जो बीएस सीरीज आया था उसमें ये चीज कहा गया था कि आपको इनवॉइस वैल्यू पे ही रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स देना है, लेकिन जब शोरूम वाले आपसे एक शोरूम प्राइस पे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स देने को, तो सोचिए टैक्स कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 29 to 50% ये एक हैवी चार्जेज होते हैं जो कि जीएसटी और सेस के रूप में आपके गाड़ी के इनवॉइस पे ऐड किए जाते हैं, तब जाकर के आपका एक शोरूम प्राइस बनता है और उस पे टैक्स फिर देने के लिए कहा जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 था जो कि एक मेजर नेगेटिव पॉइंट है। अब परेशानी आती है कि जो लोग बीएस सीरीज ऑलरेडी ले चुके हैं उनको क्या-क्या परेशानी आ रही है, उसकी ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने ले लिया है गाड़ी का रोड टैक्स आपको हर 2 साल पे पेमेंट करना होगा। तो देखिए यहां पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में है, तो आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा कि आप अभी भी इम्प्लॉय हैं, आपने अपना जॉब डिसकंटिन्यू नहीं किया है, या फिर आप एक एमएनसी को छोड़ करके किसी इंडियन स्टार्टअप में तो नहीं चले गए हैं, या किसी एमएनसी भी कोई अगर मल्टीनेशनल कंपनी भी है तो आपको 4 स्टेट में से ज्यादा में उसके ऑफिसेस होने चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके 2, 3, या 4 स्टेट में ही अगर वो कंपनी है यानी आपके ऑफिसेस हैं, तो आपको उस केस में भी बीएस सीरीज नहीं दिया जाएगा। तो सपोज कीजिए आपने बीएस सीरीज का नंबर ले लिया, अब 2 साल बाद आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, आपने कंपनी चेंज कर ली, इस केस में आपको हर 2 साल पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स रिन्यू करना पड़ेगा और आपके कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से एक फॉर्म फिलअप करवा करके देना पड़ेगा। ये एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। साथ ही सपोज कीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अगर आप थोड़ा सा भी डिले हो गए और अगर आपका जो डेट है 2 साल का रजिस्ट्रेशन फेल होने का उसके अंदर आपने करवा लिया तो बहुत ही अच्छा, अगर आप उससे डिले हो गए तो उस केस में आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। फिर एक खर्चे का भी टेंशन निकल के आता है, जैसे कि हर साल गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, उसमें आपने एक चीज देखा होगा कि बहुत सारे लोग गाड़ी का फर्स्ट पार्टी रजिस्ट्रेशन 3-4 साल तो करवा लेते हैं, लेकिन जो जीरो डेप्थ होता है, जो कि मैं सजेस्ट करता हूं कि 5 साल तक लोगों को कराना ही चाहिए, इंश्योरेंस कौन सा कैसा लेना चाहिए उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो दिया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसके बाद देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। तो बहुत सारे लोग जीरो डेप्थ इंश्योरेंस भी नहीं लेते हैं, एड ऑन नहीं लेते हैं। अभी आप देखिए कि इस पे ही वीडियो मैं लाने वाला हूं, जैसे कि थोड़े साल पहले पटना में बाढ़ आ गई थी बारिश के कारण, अभी दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, जो कि कितने सालों से दिल्ली में बाढ़ नहीं आई थी, अभी दिल्ली में आ गई। तो बहुत सारे एडवांस भी लेने होते हैं, तो बहुत सारे जो काम के इंश्योरेंस वाली चीजें होते हैं ना वो लोग नहीं ले पाते हैं, लोगों को खल जाता है क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा लगता है। तो सोचिए जो साल के साल इंश्योरेंस नहीं लोग लेते हैं अच्छे वाले एडवांस के साथ, तो हर 2 साल पे जब आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स देना पड़ेगा तो वो एक हैवी अमाउंट होता है जो कि आपको खलेगा। आप सोचिए इंडिया में मैक्सिमम कौन सी गाड़ियां बिकती है जिसका माइलेज अच्छा होता है, एक ही गाड़ी मैंने इंडिया में देखी है जो कि कम माइलेज में भी धुआंधार बिकती है, वो है आपकी टोयोटा की फॉर्च्यूनर। और टोयोटा के फॉर्च्यूनर पर चढ़ने वाले लोग कितने हाई क्लास होते हैं यह बताने की जरूरत तो है नहीं। दूसरी बात है जो फॉर्च्यूनर है वो कितनी परसेंट जो इंडिया में गाड़ियां रोड पे बिकती है उसका कितना कम परसेंट का सेलिंग है ये तो आप जानते ही हैं।
तो जब इंडिया में माइलेज वाली गाड़ियां ज्यादा बिकती है, जबकि सेफ्टी स्टैंडर्ड में मारुति बहुत नीचे आ जाता है, फिर भी ज्यादा गाड़ियां इसलिए बिकती है क्योंकि सर्विस अच्छा है और उसका गाड़ी ज्यादा माइलेज देती है। तो सिर्फ माइलेज जब लोगों के पॉकेट पे एक भारी असर डालता है, फिर इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद हर 2 साल पे आपको गाड़ी का जब टैक्स पे करना पड़ेगा ना, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा टेंशन का बनेगा, पॉकेट पे आपको बहुत भारी पड़ेगा। ये इसका तीसरा निगेटिव पॉइंट निकल के आता है। तो चौथा निगेटिव पॉइंट है वो ये है कि सपोज कीजिए आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है बी एस सीरीज का, अब आप कंपनी चेंज कर चुके हैं या फिर आपने अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, उस केस में जब 2 साल बाद आप उस चीज को नहीं प्रूफ कर पाएंगे कि आप बी एस सीरीज के लिए आज भी इलिजिबल हैं। अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छा, आपको टाइम के अंदर करवा लेना है, टाइम से डिले हो गए तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और अगर 2 साल बाद आप इलिजिबल नहीं है बी एस सीरीज रखने के लिए, उस केस में क्या होगा कि आपको स्टेट का फिर से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो 2 साल के बाद आप फिर से, जो अगर आप 2 साल जैसे 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है, 2 साल आपके गाड़ी का एज हो चुका है, तो बाकी 13 ईयर्स के लिए आपको स्टेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर से आपको वो सारा प्रोसेस करवाना पड़ेगा जो कि शुरुआत दौर में करवाना होता है, जैसे स्टेट रजिस्ट्रेशन लेने के लिए करवाते हैं हम लोग, कि आपको स्टेट का नंबर प्लेट की गाड़ी का नंबर चेंज हो जाएगा। फिर 13 साल के लिए आपको एक बार में रोड टैक्स देना पड़ेगा, तो जो आप सस्ता समझ के गाड़ी लिए थे ना, वो यहाँ पे आपको महंगा पड़ जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉकेट पे भारी पड़ने वाला पॉइंट है, ये फोर्थ निगेटिव पॉइंट है। बात करते हैं अगर फिफ्थ निगेटिव पॉइंट की, जैसे कि कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने मेरा पहले वाले वीडियो पे पूछा हुआ है कि हम ये गाड़ी किसको सेल कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अभी कई सारे स्टेट के आरटीओ को भी ये नहीं पता है कि इसका रीसेल कैसे करना है। तो आपके एंड से तो फॉर्म जो भराता है गाड़ी को रीसेल करने के लिए वही भराना होगा, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होगा, टैक्स का डिवीजन कैसे होगा स्टेट और सेंट्रल के बीच में, इसको लेकर के अभी भी बहुत मगजमारी है। अगर आपके पास बी एस सीरीज की गाड़ी है और आप उसे बेचने जाएंगे, तो उसके ट्रांसफर में आरटीओ वालों ने कई जगह लोगों को कहा है कि अभी हमें इसका प्रोसेस ही नहीं पता कि कैसे करना है, तो आपको अभी रुकना पड़ेगा, यानी आप गाड़ी अभी कभी नहीं बेच सकते। दूसरा सरदर्द ये है कि आप बी एस सीरीज की गाड़ी उसी बंदे को बेच सकते हैं जो बंदा बी एस सीरीज नंबर लेने के लिए एलिजिबल होगा। अब यहाँ पे एक देखिए प्रॉब्लम क्या आती है कि बी एस सीरीज की गाड़ी, बी एस सीरीज लेने के लिए एलिजिबल कौन कौन है, ऐसे लोग जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, या फिर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में है और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं जिनके ऑफिसेस 4 स्टेट से ज्यादा में है। ऐसे लोग जो इस क्लास में आते हैं वो ज्यादातर वेल सेटल्ड जॉब वाले होते हैं, उनकी सैलरी भी हाईली पेड होती है। तो इस तरह के लोग जनरली सेकेंड हैंड गाड़ियों पे नहीं जाते हैं, वो कम बजट की गाड़ियां हो या ज्यादा बजट की गाड़ियां हो, उनका पॉकेट जैसा अलाउ करता है वो लोग जाकर के एक नई गाड़ी परचेज करते हैं। मुझे गाड़ी लेनी थी, मैंने सीधा नई गाड़ी के लिए ऑप्शन देखा। आप लोगों को गाड़ी लेनी थी, आपने सीधा नई गाड़ी के लिए ऑप्शन देखा, आपने यूज्ड कार सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको एक बायर ढूंढना बड़ी मुश्किल की चीज होगी जो कि आपके गाड़ी का सही वैल्यू आपको दे। दूसरी चीज, अगर कोई ऐसा इंसान है जो बी एस सीरीज के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर आप उसे अपनी गाड़ी बेचते हैं, उस केस में क्या करना होगा कि जो खरीदार होगा उस बायर को एक तो आपकी गाड़ी का वैल्यू पे करना होगा। सपोज कीजिए मैंने, आपने 8-10 लाख में गाड़ी ली, आपने अपनी गाड़ी का प्राइस 5-6 लाख रुपए रखा है, 3-4 साल में आप गाड़ी रीसेल कर रहे हो, तो अब उस बंदे को आपको भी आपके गाड़ी का सही वैल्यू देना होगा। दूसरी बात, वो चूंकि बी एस सीरीज के लिए एलिजिबल नहीं है, उस केस में उस बंदे को फिर से स्टेट रजिस्ट्रेशन गाड़ी को करवाना पड़ेगा, तो उसे गाड़ी का ट्रांसफर करने का कॉस्ट, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, और जितने साल के लिए वो रजिस्ट्रेशन लेगा, जैसे 11-12 साल के लिए उसे री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो उसके टैक्स, उस बंदे को आपसे गाड़ी परचेज करने के बाद इतना ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा कि वो बंदा आपकी गाड़ी नहीं लेगा, वो किसी स्टेट, जो ऑलरेडी स्टेट रजिस्टर्ड गाड़ी होगी वो गाड़ी परचेज कर लेगा। तो जिस बंदे को स्टेट रजिस्ट्रेशन ही गाड़ी लेनी है, वो बी एस सीरीज के लिए क्यों लेने का सोचे, और जिसको बी एस सीरीज चाहिए वो लोग इतने वेल सेटल्ड होते हैं कि वो लोग सेकेंड हैंड गाड़ियां जनरली लेना प्रेफर नहीं करते हैं। तो आपकी गाड़ी जो है ना, वो बिकने में आपका सरदर्द बन जाएगी। ये भी एक मेजर निगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें फायदे कम है और नुकसान बहुत ज्यादा है। अब आइए देखते हैं कि हमारे पहले वाले वीडियो पे लोगों ने जो कमेंट करके रखा है, तो देखिए निगेटिव कमेंट्स को तो मैं बिल्कुल भी काउंट नहीं करूंगा। हाँ, एक कमेंट है जो सारे निगेटिव कमेंट्स वालों का जवाब है, बहुत ही अच्छा कमेंट है, हमारे व्यूअर ने ही किया है, मैं उसको पढ़ के आपको बताता हूँ।
यहाँ पे सतीश जी हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके कहा है, बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स को पढ़ने के बाद उन्होंने कमेंट करके कहा था कि आई एम रियली अमेज्ड हाउ पीपल मेक्स आर्गूमेंट्स, आरटीओ इज स्टेट सब्जेक्ट। बहुत ही सही लिखा, जो मैंने पहली वाली वीडियो में मेंशन किया इसमें भी मेंशन किया, आरटीओ हमेशा स्टेट का सब्जेक्ट है। सेंट्रल ने रूल तो ला दिया लेकिन रोड पे जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है वो एक स्टेट का है, तो ये सब्जेक्ट का इशू हो जाता है इस केस में। सेंट्रल कांट इंटरफेयर टू मच, एकदम करेक्ट बात है। दिस इज वेरी बैलेंस्ड प्रोपोर्शन, इफ पीपल लाइक हिम बिकम पॉलिसी मेकर्स इंडिया विल गो टू ट्रैश। जी हाँ, सही बात है, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम जिस स्टेट में रहते हैं अगर वो यूनियन टेरिटरी नहीं है, केंद्र शासित राज्य नहीं है, तो स्टेट एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो वहां पे पुलिस स्टेट की होगी। आप सब से कहते चलता हूं कि जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने हमें हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको आपकी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये कार ओनर्स का एक ग्रुप बना दिया है मैंने टेलीग्राम पे, वहां पे आपको जो भी परेशानी हो रही है आप वहां पे पोस्ट करेंगे, और जो भी दूसरे व्यूअर को कुछ भी नॉलेज होगा तो वो आपको वो भी वहां पे शेयर करेंगे, साथ के साथ मेरे से भी आपको फास्टर रिस्पांस मिला करेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।